अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का अपडेट दूंगा और आप देखें यहाँ पर पत्ते गिरना शुरू हो गए हुए हैं और मजाक का मौसम आ चुका है पतझड़ शुरू हो चुकी है और मजाक का मौसम अब रूज पर है। मैं आपको अब इसमें चलकर भी दिखाता हूँ। रात के टाइम यहाँ पर रात के टाइम शहर भी होते हैं इसलिए इस पार्क के दरमियान कोई भी नहीं, इधर पार्क में कोई भी नहीं आता। पहले हमने इसके रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी और आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर वीडियो देखें और रात के टाइम इसका पूरा मंजर देखें। देखें दरख्तों के सारे पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम सारे दरख्तों पे कोई पत्ते नहीं रहने और यहीं पर चल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर का आपको पार्ट 3 दिखा रहे हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी का स्पीडी वर्क जारी है और बड़ी तेज़ी के साथ ये ब्रिज कंप्लीट हो रहा है। 30 जून फिर आपको बताता चलो इसकी कंप्लीशन डेट है, लेकिन ये उससे पहले ही कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये ब्रिज उतरेगा झुमरा रोड पर, मैंने आज आपको दूसरे एंगल से इसको दिखाया। ये इसका एंड पॉइंट होगा और अब्दुल्लापुर फ्लाई ओवर से ये ओल्ड ब्रिज आपको दिखाते हैं। ये है इसका ओल्ड ब्रिज, वहाँ से कनेक्टिंग होके रेलवे लाइन क्रॉस करके यहाँ पर ये उतरेगा। ये अब तारकाबाद शू मार्केट से आपको इसका फाउंडेशन जो दिखा रहे हैं ये बन रहा है। देखें ये कंप्लीट कर दिया एक वीक में इन्होंने और बड़ा तेज़ी से काम जारी है। इसका फॉलोअप रखा हुआ है चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी ने, बड़ा मोहसिन नकवी को सलाम है कि उन्होंने इतना तेज़ी से काम किया है शहबाज शरीफ के बाद। और उन्होंने हमें उस्मान बुज़दार की जो स्लो स्पीडी थी, यानी कि वो सुन आदमी था, ये बड़ी अच्छी जो गुज़िश्ता दौर उस्मान बुज़दार का गुजरा है उसमें जो सुन काम रहा है पंजाब में उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ज़ीरो डेवलपमेंट थी। लेकिन ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपनी तेज़ और बासलाहियत होने का सबूत दिया है और चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ के बाद ये मोहसिन नकवी साहब हैं जिन्होंने बताया है कि वो भी कोई चीज़ हैं और वाकई उनको दुनिया मान रही है। ख़ास तौर पे फैसलाबाद की अवाम उनको बहुत अप्रिशिएट कर रही है। ये देखिए कितनी तेज़ी से इसका फाउंडेशन वर्क कंप्लीट कर दिया है। ये शू मार्केट के ऊपर से ये ब्रिज का ये फाउंडेशन है और अब ये पिलर सिर्फ ये दो राहदारियाँ रह गई हैं। इस पिलर्स के बाद इसको कम्प्लीट करने के बाद रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से लेके जाएंगे इसको। ये मैं स्टेशन की तरफ से मूव कर रहा हूँ, ये देखिए अब इसके अंदर फिलिंग होनी है और ये राइट साइड का फाउंडेशन भी तकरीबन कंप्लीट है, सरिया वगैरह लग चुका है इसका और ये फाउंडेशन भी तैयार कर लिया गया है। ये आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ, ओल्ड ब्रिज के ऊपर से मैं मूव कर रहा हूँ और ये मूव करते हुए देखिए सारा कंप्लीशन हो चुका है इसका। और ये देखिए ये यहाँ पर इसके फाउंडेशन दोनों साइडों का कंप्लीट है, ये इसके अंदर फिलिंग होगी और उसके बाद इसमें इसके ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। ये ब्रिज का यहाँ से ऊपर का पिलर है जो रेलवे क्रॉसिंग को करेगा और ये देखिए ये भी लग गए हैं पिलर्स और एक
फिर इसके ऊपर भी पिलर लगेंगे और फिर तीसरा पिलर इसके ऊपर लगेगा। ये देखिए ये भी कंप्लीट है, जारी और सारी है। यहाँ से रेलवे क्रॉसिंग का ब्रिज शुरू होता है और दूसरी तरफ वो कनेक्ट करेगा। ये देखिए क्रेन लगी हुई है पिलर्स को उठाने के लिए। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रिज का स्टार्ट है। यहाँ से यहाँ ब्रिज इसको ये लेफ्ट साइड से ये क्रेन ये पिलर उठा के यहाँ से कनेक्ट करेगी और दूसरी साइड पे पिलर इसका रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पर ये इसके ऊपर दोनों साइड पे पिलर्स ये रखेंगे, ये दोनों पड़े हुए पिलर। ये रखने के बाद ये ब्रिज का फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रोड कंस्ट्रक्शन का इसका स्टार्ट होगा काम। और बड़ा तेज़ी से काम जारी है 24 आवर्स। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी को अगेन सलूट करता हूँ मैं कि उन्होंने ये बहुत तेज़ी से काम किया और फैसलाबाद की आवाम उनको बहुत थैंकफुल और शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने ये एक ब्रिज बनाने के बाद जो इस सड़क पर रश था, ऊपर से यू टर्न करके आना पड़ता था, वो कंप्लीट काम होने के बाद बहुत आसानियां पैदा होंगी लोगों को ट्रेवल में। स्टेशन की तरफ से आएंगे और सीधा चुमरा रोड पर उतरेंगे और ये ज़बरदस्त वर्क तेज़ी से जारी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपको इसका नीचे से जाके झुमरा रोड से भी दिखाते हैं काम, जहाँ पे ये ब्रिज डाउन होगा। ये देखिए ये है वो ब्रिज जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से यहाँ से कनेक्ट होगा और ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है टोटल। अब इसमें फिलिंग होनी है सीमेंट की और ये साथ साथ आपको एंड तक दिखाते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेस पार्क आलम खान ब्रदर्स और FDA के ताउन से ये रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत तेज़ी के साथ। मुझे लगता है कि ये मार्च 30 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और जून 30 इसकी एंड डेट है, लेकिन ये 3 माह पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। ज़बरदस्त वर्क के साथ ये देखिए ये यहाँ से कंप्लीट हो चुका है नीचे तक। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।